दिस आइडिया कि एक आदमी है अटका हुआ है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एक चूहा है, निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा उसका. सो आई थॉट यार व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाई इज इन समबडी मेड दिस नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब दुनिया भर में किसी ने बनाया नहीं अभी. हाँ मैंने ये पिक्चर थोड़े से गुस्से में बनाई है कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी टाइप्स, एंग्री आर्टिस्ट टाइप्स, टॉर्चर्ड आर्टिस्ट. हाँ टॉर्चर्ड आर्टिस्ट. मैं बनाऊंगा पिक्चर, आई एम ट्रैप्ड सो आई विल मेक अ फिल्म कॉल्ड ट्रैप्ड. बोलते हैं ना कि हर कांड के पीछे एक औरत होती है. मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं. काफी सारे टाइटल थे हम लोग, फट्टू या ये या वो या रैटमैन, पता नहीं है. लोग इंटरेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो अपने हो रहा है ना कि लोग सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अलग लेवल का जो इंटरेस्ट आ गया उसमें. आई एम एक्चुअली क्वाइट किक्ड बाय इट. आई थिंक ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोग सवाल पूछेंगे और ये करेंगे कि फोन है उसके पास, फोन क्यों नहीं किया उसने, फिर मतलब एक झगड़ा हो रहा है वहाँ पे, एक बोल रहा है इडियट क्यों कीप क्वाइट और समबडी सेइंग समथिंग. एग्जैक्टली, इट्स कूल. सब एक मोबाइल फोन है ना, फोन क्यों नहीं करता है वो. मैं तो पिक्चर देखो वही तो पता चलेगा ना, अगर दैट इज द मूवी इज कि उसके पास फोन है फिर भी वो क्यों नहीं यूज कर पा रहा है. बड़ी तैयारियां की आपने इस किरदार में आने के लिए, मेथड जिसको हम बोलते रहते हैं बार बार, बट सुना है कि टू kind of get the physique right इस character के लिए, शौर्य के लिए, आप सिर्फ गाजर खा रहे थे और सिर्फ कॉफी पे जिंदा थे. भाई क्या हो गया ऐसा? नहीं वो फिजिक नहीं, वो एक्चुअली जिन सर्कमस्टांसेस में शौर्य फंस गया है अपार्टमेंट में, कोई उसकी आवाज तक नहीं सुनना चाहता है और खाना नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो एक तरह की फिजिक उसकी हो जाएगी आफ्टर अ पॉइंट, यू नो, ही स्टार्ट लूजिंग वेट, ही स्टार्ट लूजिंग हिज मेंटल स्टेट. तो मैंने सोचा एज एन एक्टर मुझे भी आई थिंक इसी एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा अगर मुझे उसको उतनी ही सिंसेरिटी और ईमानदारी से करना है. तो सो आई थॉट कि जिस दिन से वो अपार्टमेंट में फंसेगा उस दिन से मैंने भी खाना पानी छोड़ दिया. कितने दिन चलाए उपवास? अराउंड 15 डेज. 15 दिन सिर्फ गाजर और कॉफी? हाँ मतलब एक गाजर और एक कप ब्लैक कॉफी. And I think ये ज़्यादा difficult और हो जाता है जब set पे feast चल रही होती है, सारे के सारे बैठ के खा रहे हैं. इसलिए मैं अपने रूम में जाता था, ये सब लोग बाहर, इनका प्रॉपर एक सपने लंच आता था अच्छा सा, मैं अपने रूम में बैठ के और वो भी पता नहीं हाई राइज में कहाँ शूट हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं. 35th फ्लोर ऊपर. कौन सा फ्लोर? 35th फ्लोर, जो विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड. तो बिल्डिंग ऐसी थी कि मतलब लिफ्ट चलती है लेकिन पानी का कुछ भरोसा नहीं है अंदर फ्लैट में, मतलब एक ही फ्लैट है, कोई रहता नहीं है बिल्डिंग में, वॉचमैन एक वॉचमैन जो बहरा है, मतलब जो सिचुएशन था उस बिल्डिंग का एग्जैक्टली हम रेडीमेड मिल गए. मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है ऐसी बिल्डिंग्स, हाई राइज जो खाली रहती है. आई ऑलवेज वंडर, एक्चुअली बॉम्बे में बहुत सारी ऐसी, बहुत सारी है, बांद्रा में इतनी सारी है, एंड यू आर ऑलवेज वंडरिंग की स्टोरी क्या है इस बिल्डिंग की. सो डू टेल अस रेडियो सिटी के लिसनर्स को कि ये कहां से आया जर्म ऑफ द आइडिया, फिर कैसे डेवलप हुई ये फिल्म. एक ईमेल आया था. No, this is, I have answered this question. I know. I can answer it for him. I can. I'm sure you have. I know it by heart. I'm happy taking his name every single time. Amit Joshi है. The writer of the film. उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा था. With this synopsis of this idea कि एक आदमी है अटका हुआ है. खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एक चूहा है, निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा उसका. So I thought, yeah, what a great idea. Why isn't somebody made this? Not only in India, मतलब दुनिया भर में किसी ने बनाया नहीं अभी. सोच के ऐसा लगता है कि this is something I actually fear about. This is something I think about a lot. No, it's true. एक love story है जहाँ पे गाना भी चलता है. फिल्म का एक मात्र गाना, दो मात्र गाने. तो गीतांजलि and शौर्य, नूरी and शौर्य are the characters. Work in the same office. दोनों प्यार करते हैं दूसरे से और दोनों चाह रहे हैं कि घर, खुद का घर बसा ले. एंड लेकिन क्योंकि नूरी की एक शादी होने वाली है बहुत ही जल्दी और उसको जाना है, तो एक अर्जेंसी है घर लेने की. तो दैट्स व्हाई राज हैज टू गेट द हाउस, दैट्स व्हाई शौर्य गेट्स स्टक, एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू जस्ट
collapse unfold. Do we see her in the film? Yeah, of course we see her in the film. Yeah. She's a terrific, terrific actress. She's amazing. Wonderful face. Mm. So alive. Mm. She's got like, I mean, she should be a star, but पता नहीं, I don't think she wants me. अच्छा, she doesn't want to only. पता नहीं उसका, she's happy doing all this kind of work, but कहीं उसको बोलो कि ये से मिलो को कुछ करती नहीं. Yeah, she's one of those pure artist types. And it works, it fits into the Bombay of today. मतलब ये film 10 साल पहले नहीं बन पाती क्योंकि उतने high rises थे नहीं. ये 10 साल बाद नहीं बन पाएगी क्योंकि वो हाई राइजेस भर जाएंगे. True. ये जो एकदम आज के जमाने में है ना कि हाई राइजेस बन चुकी है, किसी का कोर्ट का केस चल रहा है, किसी का ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे खाली खाली पड़ी हैं 30-40 और अगर परेल जाओ तो मतलब यार इधर उधर देखो तो 70 माले की बिल्डिंग, 100 माले की बिल्डिंग, मतलब क्या क्या नहीं आ रहा है. सो वेरी हियर एंड नाउ, इट सडनली फेल्ट वेरी कि यार ये बनाना तो अभी बनाना आईडिया. तो मुझे तो बहुत कमाल का लगा था. तो बस घुस के हम लोग ने सोच लिया कि यार बना लेते हैं. राजकुमारों को मैंने फोन किया. हाँ. बोला तो अगले महीने क्या कर रहे हैं. हाँ. तो इसमें कुछ नहीं कर रहा, चल शूटिंग करते हैं. हाँ, मैंने ये पिक्चर थोड़े से गुस्से में बनाई है कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी टाइप्स, एंग्री आर्टिस्ट टाइप्स, टॉर्चर्ड आर्टिस्ट. हाँ, टॉर्चर्ड आर्टिस्ट. तो मैं बनाऊंगा पिक्चर, आई एम ट्रैप्ड, सो आई विल मेक अ फिल्म कॉल्ड ट्रैप्ड. अच्छा राज, आपने कहा कि आपकी एक बड़ी डिजायर थी कि आप विक्रम के साथ काम करें और उड़ान के टाइम से आप उनके फैन रहे हैं. सो ये हाउ डिड दिस हैपन कि फाइनली ट्रैप्ड के लिए विक्रम ने आप ही को फोन किया सबसे पहले? हम लोग एक फिल्म की स्क्रीनिंग में मिले थे. हाँ. और इन्होंने मुझे ऐसे ही कहा था कि अच्छा लिसन, देयर इज दिस आईडिया, यू वांट टू हियर इट. और लिया तो उन्होंने मुझे आईडिया सुनाया. देन आई सेड के मतलब ये बहुत ही अच्छा है, बट व्हाट अबाउट दिस आईडिया, इज लाइक नहीं मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ. हाँ. चलो, आई वॉज वेरी होपफुल कि एट लीस्ट इज प्लानिंग समथिंग विद मी. एंड देन ही एक्चुअली कॉल्ड मी आफ्टर लाइक कपल ऑफ वीक्स और अ मंथ आई थिंक, कि ये सेम थिंग व्हाट ही सेड, कि हम लोग मिलते हैं और व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट मंथ. आई सेड नो, आई एम मोस्टली फ्री ओनली. सर के करें शूट करें. आई सेड या करते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग वी नो इज कॉस्ट्यूम डिजाइनर आ गया और लोकेशंस रेकी पे चले गए, सब कुछ फिक्स हो गया. 50 चश्मे के मॉडल्स देख रहे हैं, 50 चश्मे के मॉडल्स आ गए और बस हम लोग स्क्रिप्ट पे डिस्कशन शुरू हो गया. सारे जो लॉजिक्स हैं राइट, उनको क्लैरिफाई हम लोगों ने कर दिया स्क्रिप्ट में पहले ही, कि लोग जो जो पूछ सकते थे, जो अभी भी पूछ रहे हैं, वो सब क्लियर हो गए थे पहले ही. यस, बस मोबाइल फोन है तो क्यों नहीं फोन कर रहा है नीचे, व्हाट. कभी कभी ऐसा खुद हुआ है आपके साथ कि घर के बाहर बंद हो गए, चाबी घर के अंदर रह गई है, घर के अंदर बंद हो गए, चाबी घर के बाहर रह गई है, एंड यू नो यू हैव यू एवर फेल्ट ट्रैप्ड लाइक दैट, फिजिकली ट्रैप्ड? नहीं, मैं कभी फिजिकली तो ट्रैप नहीं हुआ, पर स्कूल में एक बार, हाँ एक बार एक गर्लफ्रेंड थी हमारी, तो मैं मिलने गया था उनसे, तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, तो उनके पेरेंट्स हम लोग होमवर्क कर रहे थे एग्जाम से, तो हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे. तो उनके फैमिली के लोग आगे जिनको आना नहीं था, तो अनएक्सपेक्टेड विजिट हो गया एकदम. तो कैसे, मैं एक छोटी सी बैल्कनी थी एकदम किचन के पीछे, जिसके पीछे मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठा रहा. नो वे, या नो नो, इट्स ट्रू. तब तक वो लोग जाए, फिर मैं निकलूं. फिर मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, फिर मैंने कहा मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है, हम फेल हो जाएंगे, चलेगा. पास हो गए. पास हो गया था. एक सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है कि स्कूल ट्रिप में गर्लफ्रेंड के साथ मैं बात कर रहा था, तो टीचर आ गई, तो मुझे उसने मुझे बाथरूम के अंदर घुसा दिया, बिकॉज ऑल स्कूल ट्रिप में क्या है, 4-5 सब साथ में रहते हैं ना, तो लड़की लोग, तो शी पुट मी इनसाइड विद अनदर गर्ल, तो ये बाथरूम के अंदर कि टीचर आके पूछी कि तू कहाँ है, तो इसलिए somebody else is inside, उसकी पेट खराब है. तो I was stuck with a girl who didn't like me very much. एक दूसरे से देख रहे थे हम लोग आधे घंटे. बीच में हम लोग कुछ एडवाइस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ नया म्यूजिक डायरेक्टर, दैट्स हाउ आई नो आलोका, शी डिड सम क्रेजी स्टफ. बहुत ही पागल आदमी, बहुत ही पागल औरत है, बिकॉज देयर इज अ वेरी अनयूनिक सेंस ऑफ म्यूजिक दैट शी हैज दैट नोबडी एल्स एक्चुअली हैज. बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही कमाल का, स्टार बनने वाली, पता भी है. याद रखना पहला रेडियो इंटरव्यू किधर दिया था, एकदम स्टार बनने के बाद. ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, लाइक लोगों ने ट्रेलर में भी म्यूजिक सुना है, और ट्रेलर का म्यूजिक पे लोग इतना यू नो या बहुत ईरी है, और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं ट्रेलर के म्यूजिक को, तो फिल्म का जो म्यूजिक है ना वो अनबिलीवेबल है. शी हैज डन अ फैब जॉब इन द फिल्म. So, but you were talking about Shy is coming. Shy is coming. No, hashtag blush. Hashtag blush on my cheeks. हम लोग इतने किट थे इस फिल्म को लेके, हम लोग इतने सब एक्साइटेड थे कि हम लोग कुछ कुछ बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कि जो जितना कर सकता था. आई थिंक एवरीबडी हैज पुश देयर बाउंड्रीज, एवरीबडी हैज या पुश देयर एनवेलप्स. तो मैं भी अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, तो उसके चलते ही मुझे कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ी जो
शायद एक वेजिटेरियन नहीं खाना चाहेगा। और फेक ब्लड की क्या कहानी है? सुना है कि आपने नकली खून इस्तेमाल करने से मना कर दिया था इसमें। हाँ, मुझे नकली चीजों से बहुत नफरत है, जैसे नकली दाढ़ी, नकली मूंछ, नकली एक्टिंग, हैशटैग कीपिंग इट रियल, या नकली एक्टिंग भी होती है लोग करते हैं, उससे भी मुझे बहुत नफरत है। नहीं, पर एक सीक्वेंस था जहाँ पे ब्लड की जरूरत थी और प्रोस्थेटिक वगैरह हो सकता था, कुछ फिंगर से काट के वो लिखता है शौर्य, तो आई थॉट कि मैं अपना रियल ब्लड यूज करता हूँ, व्हाई नॉट, आई कैन कट माय फिंगर। तो मैंने कहा कि जरूर, मतलब इसर, आर यू श्योर? इसर, या सर, आई कैन, लाइक आई कैन डू इट। तो मैंने फिर लेके ग्लास और अपनी फिंगर काट दी। उम्मीद खून पसीना खून पसीना भी ये करेगा तो मैं का नाम सर, मैं खून काट दूँ तो सर, मैं एक कॉफी और एक गाजर, हाँ कर लो मेरा आइडिया नहीं है सब, इसका आइडिया है। बट व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट शौर्य? एक सीन में हम देखते हैं कि वो ऊपर से चिल्ला रहा है, उसकी आवाज फटने के लिए तैयार है, टीवी फेंक रहा है नीचे, आग लगा रहा है, पागल हो रहा है। इस पूरे, जैसा कि मैंने कहा, डिसेंट इनटू मैडनेस में सबसे मुश्किल क्या था राज आपके लिए करना? Trust me, the whole process, I think after a point, your body gives up, you know, you feel so tired and you don't want to move actually. And there were times when there were blackouts, matlab main khada hota tha shot dene ke liye aur kai bar main apne DOP ko aise pakad leta tha ki because there are blackouts. Oh, usne ek do bar mujhe look diya ki because I didn't tell anyone ki kya ho raha hai. I didn't know this. To kai bar main phir baith jata tha shot se pehle ki listen, I need, my body needs 30 seconds. But it was fun because I know ki iske baad pata nahi mujhe dobara kabhi aisi film कब मिलेगी जहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर की जर्नी को आप फॉलो कर रहे हैं। कहाँ से लाते हो राज आप इतनी डेडिकेशन, इतनी इस लेवल की डेडिकेशन कि आपके डायरेक्टर को अब पता चल रहा है आप बेहोश होने वाले थे सेट पे? Again, Shah is coming, Shah is coming. But what motivates you to give like more than 100%? I think if you love your job, if you love your work, you just want to do it in whatever way possible. So I just love acting. सर, अभी आपको ये नया नया खुलासा पता चला है कि बेहोश होने वाला था बेचारा टेक से पहले। राज की कुछ तारीफ करना चाहते हैं? व्हाट इज ही लाइक टू वर्क विद? राज इज वेरी इज शाय इज कमिंग शाय इज राज इज सुपर। आई मीन द मोमेंट आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस इन अ नाइस वे, लेकिन जब पहली बार जब मैंने इसके पढ़ा था तो लगा यार कौन एक्टर है, एंड इमेजिनली राजकुमार राव, पीपल आस्क मी कि क्यों, और यार इससे अच्छा बेचारा टाइप एक्टर है नहीं अपने इंडस्ट्री में, एंड आई मीन इट इन द नाइसेस्ट वे पॉसिबल। आई एम नॉट इंडी स्वीट हार्ट। यू वांट एन एक्टर हु इज वल्नरेबल, यू वांट समवन हु यार मतलब यू वांट देम टू विन बट यू नॉट श्योर, यू नो, इनके होगा नहीं होगा, एंड यू नो यार इसके साथ के ही इज गोना पुट इन सच अ एफर्ट के ही विल बिकम अ कैरेक्टर, ही विल बिकम अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई लव हिज परफॉर्मेंस। आई थिंक इट्स अ फाइन फाइन परफॉर्मेंस, एंड इट ही कैरीज द फिल्म, सो आई एम सेइंग ही मेक्स ऑल ऑफ अस लुक गुड एक्चुअली। और इवन द ब्रीफ थ्रू आउट द एंटायर फिल्म के यार मेरे डीओपी के साथ हम लोग ऐसे ऐसा शूट कैसे करना, ये करना, वो करना, ऐसे नहीं यार कैरेक्टर को फॉलो करना, और मुझे पता था कि जब राज है तो आई नो दैट देयर इज अ, यू नो, दिस गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू फॉलो, हु यू नेवर गोइंग टू गेट बोर्ड ऑफ वॉचिंग हिम ऑन स्क्रीन, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स ग्रेट एज अ डायरेक्टर, जब ऐसे कॉन्फिडेंस हो एक्टर में ना कि यार वो कर सकता है, तो यू डोंट हैव टू डू एनी ट्रिक्स, राइट, कि बड़ा क्लोजअप करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रिक्स। आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई कैन गिव हिम। थैंक यू सर। तो अभी फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं रेडियो सिटी के लिसनर्स को अबाउट ट्रैप्ड? क्यों जाके देख जाए? क्योंकि राजकुमार राव का करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। हाय हाय हाय। और नहीं, एक बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही फनी, बहुत ही क्वर्की पिक्चर है, बहुत मजा आएगा, 100 मिनट की पिक्चर है, एंड मोस्ट लाइकली विदाउट इंटरवल एज वेल, सो प्लीज गो सी इट एंड एंजॉय। अच्छा, आल्सो वन फाइनल मैसेज फ्रॉम राजकुमार राव। देखिए, आप सबने ट्रेलर्स देखा है, एंड आई एम होपिंग कि आप सबको ट्रेलर अच्छा लगा है। yes. तो फिल्म जो है वो ट्रेलर से भी कहीं आगे है, तो आपकी अगर क्यूरियोसिटी है, सवाल हैं, तो वो सारे सवालों के जवाब हमारी फिल्म में है। यह सर ने कहा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा व्हेन यू विल वॉच ट्रैप्ड। ऐसा देखा नहीं हमने अभी तक कुछ। वेल, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर ट्रैप्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू सो मच।